मोदी सरकार है, मतलब भाजपा जो है, उन्होंने अच्छे काम, जैसे राम मंदिर वगैरह बनवाए, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जैसे कि मुझे पसंद नहीं आया, जैसे आर्मी का 4 साल करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भर्ती देखता था और 4 साल होने के बाद मैंने खुद अपनी दो भर्तियाँ छोड़ दी, मैंने नहीं देखी। तो इसलिए आर्मी के लिए तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आर्मी पहले 15 साल की परमानेंट थी। तो हमारे मतलब जैसे गाँव में मैंने देखा है कि जो मतलब बच्चे थे ना, उन्होंने मतलब जुनून था आर्मी के नाम का कि आर्मी में जाना है। लेकिन अब 4 साल के होने के बाद मतलब ग्राउंड में देखते हैं जाके, तो बच्चे पहले 100-200 की भीड़ होती थी हर रोज शाम को, लेकिन अब यहाँ पर वहीं पर 20 और 25 बच्चे दिखते हैं ओनली। कांग्रेस की क्या लगता है आपको, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी लग रहा है, आएगी या कांग्रेस? 50-50 चांस है दोनों के। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देसा चौहान, इस वक्त मैं ब्रास मार्केट में, और ब्रास मार्केट में जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो ये युवा हैं जो कोचिंग लेने आते हैं, अपनी नौकरी के लिए आते हैं, किस तरीके देखते हैं कि 2024 इलेक्शन नज़दीक है, तो बड़े चेहरे में हम बात करें कि आप किनको वोट देंगे, बड़ी सेंट्री बात करें तो नरेंद्र मोदी को हम पसंद करते हैं, और वो केंद्र सरकार के लिए अच्छे भी हैं और उन्होंने कई अच्छे काम किए, तो हम पहली प्रायोरिटी उनको ही देंगे, नरेंद्र मोदी। उन्होंने कई अच्छे और बड़े काम किए हैं, इसलिए उन्हें जनता पसंद भी करती है, तो हम उन्हीं को पसंद करते हैं। यदि नौकरी की बात करें, आप कोचिंग ले रहे हैं, तो नौकरी के बारे में कैसी लगी सरकार आप? नौकरी बीजेपी सरकार ने बहुत दी है और अनेकों प्रकार की वैकेंसियाँ निकालती है हर साल, और लगभग 2.5-3 लाख रोजगार दिया गया इन बीते 5 सालों में, तो सही रोजगार दे रही है। आप क्या कहेंगे हरियाणा की, जिस तरीके हम बात करें हरियाणा में, क्या खट्टर सरकार को किस उनकी योजना या फिर उनकी नौकरियों को देखकर किस तरीके से आप खट्टर सरकार को चाहते हैं, क्या उनको वोट देंगे या फिर किसको आप वोट देंगे? भाई खट्टर सरकार जैसे देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन कुछ काम इन्होंने गलत भी किए हैं। जैसे मान लिया मोदी सरकार है, मतलब भाजपा जो है, उन्होंने अच्छे काम, जैसे राम मंदिर वगैरह बनवाए, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जैसे कि मुझे पसंद नहीं आया, जैसे आर्मी का 4 साल करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भर्ती देखता था और 4 साल होने के बाद मैंने खुद अपनी दो भर्तियाँ छोड़ दी, मैंने नहीं देखी। तो इसलिए आर्मी के लिए तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आर्मी पहले 15 साल की परमानेंट थी। तो हमारे मतलब जैसे गाँव में मैंने देखा है कि जो मतलब बच्चे थे ना, उन्होंने मतलब जुनून था आर्मी के नाम का कि आर्मी में जाना है। लेकिन अब 4 साल के होने के बाद मतलब ग्राउंड में देखते हैं जाके, तो बच्चे पहले 100-200 की भीड़ होती थी हर रोज शाम को, लेकिन अब यहाँ पर वहीं पर 20 और 25 बच्चे दिखते हैं ओनली, और वो भी ऐसे बोलते हैं लग जाएंगे, ठीक नहीं दूसरे देख ले। मतलब आर्मी के लिए कोई जुनून नहीं बच रहा अब तो। भाई इस मामले में तो मेरे को मतलब बीजेपी सरकार गलत लगी, लेकिन वैसे बीजेपी सरकार ने काम भी बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ गलत काम भी किए हैं, जैसे आर्मी वगैरह में करना और भी कई, और बीच में ये जो अब कानून निकालते हैं इसके मतलब कुछ गलत तो इनके इफेक्ट जाते हैं। दूसरा, आपने जैसे कि कहा कि राम मंदिर को आप किस तरीके देखते हैं, क्या आप इसको इलेक्शन के जोड़ते हैं या फिर कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं इलेक्शन से नहीं, देखो राम मंदिर का जो केस है बहुत पुराना, कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन ये जो है ये हमारे आराध्य भी हैं, इनका जन्म हुआ था जैसे अयोध्या में, तो राम मंदिर ठीक बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर राम मंदिर को देखा जाए तो मतलब जैसे, और भाजपा सरकार ने मतलब बहुत सी मस्जिदें भी तोड़ी हैं, उनको मतलब बिना उनके जो कोई प्रूफ नहीं था, मस्जिदें तोड़ के उनको बोल रहे हैं भाई, एक अभी और मेरे सुनने में आई, एक मस्जिद और तोड़ी जा रही है, तो मतलब ये चीज़ गलत है भाई। जो मस्जिद बन रही है उनको तो रहने दो, लेकिन और अगर मान ले वो इफेक्ट गलत तरीके से बना रहे तो उनको मत बनाने दो चाहे, लेकिन जो बन रही है उनको तो मत तोड़ो। कांग्रेस की क्या लगता है आपको, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी लग रहा है, आएगी या कांग्रेस? 50-50 चांस है दोनों के। जैसे मान ले कि लोगों के बीच में चर्चा सुनते हैं तो कुछ कहते हैं कांग्रेस और कुछ कहते हैं भाजपा। आपकी वोट बन चुकी है? नहीं, मेरी वोट नहीं मिलेगी। तो अभी घर में कभी चर्चा चलती है किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, बड़े घर में चलती है? घर में तो हमारे घर वाले तो कांग्रेस के बोलते हैं, कांग्रेस के। हाँ, और भी हैं युवा, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप 2024 इलेक्शन नजदीक, क्या कहेंगे आप युवा हो, घर में भी बात होती है, तो किस तरीके के लीडर को पसंद करते हैं आप? लीडर वो होना चाहिए सर जो मतलब बढ़िया गाइड करे अपनी सरकार को और सही नेतृत्व दे, जैसे नरेंद्र मोदी काम कुछ अच्छे भी कर रहे हैं कुछ बुरे भी कर रहे हैं, इन्होंने अपने हाईवे बनवाए, हाईवे में बहुत काम किया है, राम मंदिर बनवा दिया, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, कुछ अच्छे इफेक्ट भी पड़े हैं सरकार की वजह से और कुछ बुरे इफेक्ट भी पड़े हैं। नौकरियों को लेके क्या कहेंगे? नौकरी के लिए सर, सरकारी नौकरी की तो मैं तैयारी नहीं करता, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ अपने।